नमस्ते नमस्ते पीयूष जी, हमारे साथ पीयूष कांति भट्टाचार्य जी हैं। पीयूष जी इज 75 इयर्स यंग। पीयूष जी, आप त्रिपुरा किस वर्ष में आए थे, कौन से वर्ष में आए थे? त्रिपुरा में प्रैक्टिकली हमारा जो बांग्लादेश पाकिस्तान में जो हमारा घर था वो त्रिपुरा का बहुत नजदीक था। त्रिपुरा में भी हमारा जमीन था, तो हम लोग हमारा जो मूल निवास है वो पाकिस्तान में जब गया तो भी चला आया 59 में, अरे 49 में, 49 में चला। और 50 से मैं अगरतला में हूँ, तो 50 क्लास टू में मैं एडमिशन लिया था। क्लास टू में एक साथ पिताजी क्या करते थे? पिताजी हमारा एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर था, पहले बैंक में नौकरी करते थे, तो बांग्लादेश का ये चला गया नौकरी, इसके बाद पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे। तो आपका संघ का परिचय कब हुआ? संघ का परिचय प्रैक्टिकली जो हम जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल का मार्ठ में संघ का टका चलते था, क्योंकि 1950 में गणेश देव शर्मा उन्होंने आया था। वो तो कहाँ से है? वो तो बंगाल से है। इसके बाद वो प्रचारक थे? प्रचारक थे, तो शाखा चलते थे, बड़ा बड़ा लड़का करते थे, और हम लोग खेलने के लिए हमको खेल में लो ऐसे बोलते थे, लेकिन वो छोटा था ना तो खेल में नहीं रहते थे। बाद में वो प्रार्थना करने का समय हम लोग को खड़ा करते थे। तो गणेश का जो था ना वो बालक का लिए बहुत प्यारा था। अच्छा। तो हम लोग को लेकर वो छोटा छोटा कहानी छोटा छोटा खेल वो दूध सब खेल दिखाते थे, खेलते थे ही और प्रार्थना करते थे। आपके मुंह में चमक आ रहा है उनका नाम सुनकर, आप जब नाम बोल रहे हैं उनका तो आपके फेस में चमक आ रहा है। आ गया तो क्योंकि बोलता हूँ, तो हमको भी खेल में लोग कबड्डी खेल में हम भी खेलते थे ऐसा बोलते थे, तो हम लोग नहीं ये तुम लोग नहीं साइड में बैठो छोटा छोटा खेल जो है खेलेगा। तो एक दिन कबड्डी खेलते खेलते एक लड़का आकर मेरा ऊपर गिरा, और उसका दांत जो है ना हमारा वो राइट ब्रू में आई ब्रू में लग गया, काट गया बहुत। तो उस दिन गणेश जब मुझे गोद में उठाया और दौड़ के हमारे घर में चला आया, डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर को मलम टलम लगा दिया, ये किया। ये गणेश ने हमारे बारे में जो एंटर किया था, मैंने एंट्री लिया ना, इसके बाद सुबह शाम आते रहे। कब हमारे घर का लड़का हो गया पता नहीं है गणेश, मेरा माँ तो गणेश बोल के पुकारते थे। प्रैक्टिकली 1973 में गुरु जी आया था, गुरु जी का प्रवास हुआ, मतलब जिनका उनका देहांत के पहले कुछ दिन पहले 73 में गुरु जी का देहांत हुआ। हाँ 93 में आया था, 73 में 93 में, अरे बड़ा सर 53 में गुरु जी आया। तो गुरु जी आने के बाद तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो चार शाखा चलती थी त्रिपुरा में, तो शाखा मेला और मार्ट बोल के स्थान है, शाखा है वहाँ होगा, तो हम लोग को भी बुलाया, इतना आनंद आया हम लोग जमा पेंट बोल के एक साथ पैदल सब बच्चा जो है ना सब गणेश लेकर गया, गान गाते गाते हिंदुस्तान देश मुझे हिंदू मुड़ा सवाई भाई हिंदू हिंदू ये बोले देवो मुड़ा पूरी जो है ऐसे गान गाते गाते हम लोग गया था मेला में, और गुरु जी को पहले थे तो गुरु जी तब तो ये था, चेहरा तो एक ही था लेकिन मोदी तुर्ति कुछ नहीं समझा। उस दिन से मैंने शाखा में हम रेगुलर। और बाद में कल्याण आश्रम का काम कब शुरू हुआ? कल्याण आश्रम का काम 79 में शुरू हुआ, इसका भी एक इतिहास है, क्योंकि मैंने गुवाहाटी में गया था लॉ पढ़ने के लिए, तो लॉ नहीं हुआ, एडमिशन नहीं हुआ। इसके बाद आलोक पत्रिका एक है इसमें गणेश दा था, तो गणेश दा हमको बुला गया था आलोक पत्रिका में, आप आलोक पत्रिका का मैं कुछ दिन काम किया। इसके बाद अरुणाचल में जाने का बात था, अरुणाचल में जो विवेकानंद केंद्र था
चल रहा था, तो 73-74 ऐसा। तो इंटरव्यू दिया, हम बोला जाए तुम अरुणाचल में जाओ, एक स्कूल में जाए इंडिपेंडेंट सबको बैंड हो गया। अरे ये इमरजेंसी आ गया 75 में इमरजेंसी आया। तो इमरजेंसी आया तो हमारा जो ये था एकनाथ जी बोला अभी कुछ दिन चुपचाप रहो, इमरजेंसी आया, हो सकता है सबको भी बंद हो जाएगा। संघ का नाम मत मूवमेंट मत लो, संघ का नाम मत लो ऐसा बोला हमको। लेकिन हम क्या क्या वो क्या इमरजेंसी है क्या लगा, छोटा था ना। हाँ संघ कैसे बैंड होगा, बैंड कैसे करेगा, एक बार तो बैंड हो गया तो कैरल में गया तो कुछ नहीं था उसे। लेकिन तब तो केवल रेडियो था, कब बैंड हो गया वो पता नहीं है। 4 तारीख को बैंड हुआ, 6 तारीख को मैं कैरल के सामने गया। तो आई वी लुक आपको देखा जो 2 दिन पहले यहाँ गया था, वो दुकान से निकला, हमको बोला चलो अभी थाना में चलो। भाई क्या क्यों थाना में, मैं बाहर से आया हूँ। नहीं नहीं चलो थाना में गया, तो थाना में एक ऑफिसर मुझे पहचान लिया, मैं जेल में चला गया। तो जेल से निकला 1976 76-77 में अगरतला में ही था, कुछ काम नहीं था, एक पत्रिका में काम करता था। इस समय 78 का लास्ट पार्ट में हमारा बसंत राव भट्ट जो पश्चिम बंगाल में जो प्रांत प्रचारक था, उनका दायित्व मिला वनवासी कल्याण, तो वनवासी कल्याण आश्रम ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होगा ये सब सिद्धांत हुआ। हाँ तो उनका दायित्व मिला क्षेत्र का, उन्होंने अगरतला आया कमेटी बनाने के लिए और सुना जो हमारा नौकरी डुबी कुछ नहीं है मैं बेकार हूँ, तो मुझे बोला बोले आओ तो कमेटी बनाना पड़ेगा, तो कमेटी बन गया इधर। हाँ और मुझे पूर्णकालीन कार्यकर्ता ऐसा इसके बाद पूर्णकालीन कार्यकर्ता होने के बाद मैं बोले कैसे काम शुरू करेगा, बोले कुछ चिंता मत करो पहले छोटा सा एक छात्रावास करो, एक किराया का कर लो, छात्र रखो, छात्रावास करो, कैसे चलेगा आप देखो। ये कौन से वर्ष में बताया आपने? 79। तो हम लोग क्या किया, पहले अगरतला में ढूंढा, तो अगरतला में हमारा इच्छा नहीं हो, बहुत और लोग बोला जो अगरतला में और दूसरी नगर जो क्रिश्चियन मिशन का जो मिशन है उसका बगल में करो, लेकिन हमारा इच्छा नहीं था जाना। हाँ वो रोजा निकला बाहर, निकलते निकलते चला गया हम तोजुवारी। तो तोजुवारी में हमारा एक टीचर था, हमको उसको सैंक्शन भी था, उसका नाम कमला रंजन चक्रवर्ती, और एक सैंक्शन था धीरेन्द्र कोई, हाँ वो अकेला एक सैंक्शन था, उसका भरोसा उधर किया। जाने के बाद उसका साथ बातचीत किया तो देखा तो बहुत अच्छा है, 19 जनजाति है त्रिपुरा में। कितने जनजाति है? 19 इसमें 6-7 जनजाति तो केवल जनजाति है इस अंचल में, हाँ बंगाली है लेकिन जनजाति बहुत है, टाइपिंग है, मौसम है, जमातिया है, जबरमा है, रियांग है, कोलोई ज्यादा है ऐसा। तो ये स्थान हमको बहुत अच्छा लगा, ये चारों तरफ पहाड़ है, जनजाति का आवास है, इसमें करना चाहिए। तो इस दिन डिसीजन ले लिया जी है ही करूँगा, कैसे होगा पता नहीं है, लेकिन छोटा एक घर लिया 16x8। कौन सा प्लेस था बताइए? तोई दुवारी। वहाँ पहला अपना काम शुरू किया। तो 10 छात्र को हम लोग ढूंढा, 10 स्थान में इंटरव्यू लिया, गांव गांव में गया, सबको घूम घूम के कौन माने अच्छा छात्र है लेकिन सुविधा नहीं करने के कारण इसका पढ़ाई नहीं हो रहा है ऐसे ढूंढा, 10 छात्र को पहले। आज अपने कितने छात्रावास? अभी तो हमारा 8 छात्रावास है, इसमें 2 छात्रनिवास है, छात्रनिवास वो है, 6 छात्रावास है। छात्रनिवास एक अगरतला में है और एक कुमारगढ़ में, अनुराधा देवी छात्रनिवास। अभी तो 8 छात्रनिवास है लेकिन हमारा छात्रनिवास का छात्रावास और छात्रनिवास छात्रावास करने के लिए केवल छात्रावास नहीं है, छात्रावास एक उपलक्ष्य है।
और उनका घर में संपर्क करना, उनका घर का स्थिति, उनका परिवार का सदस्य हमारा परिवार का सदस्य रूप में बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। तो भाई अपने को सारे जनजातियों से अपने कार्य के लिए है लोग ऐसे सारे जनजाति के लिए तो एक जैसा रुसाई है वो हमारा कम है, संपर्क है। कुछ जनजाति विलुप्त हो गया, बोले 5-6 से जनजाति है जो अभी समाप्त हो गया। समाप्त तो नहीं हुआ, संख्या बहुत कम है। और क्रिश्चियन मिशनरीज का काम कैसा है? क्रिश्चियन मिशनरीज का काम बहुत है। और जनजातियों में कितना प्रतिशत होगा क्रिश्चियन होगा? ये प्रतिशत तो जनजाति में 15 नहीं होगा, कुछ लोग बोले थे 13-15 के बीच में। हाँ ऐसे 10-11 ही होगा। हाँ लेकिन प्रभाव बहुत है क्योंकि वो हर स्थान में क्रिश्चियन है कि नहीं है, लेकिन बड़ा बड़ा चर्च बना के रखता है। और कितने टाइप्स ऑफ चर्च बोले, ऐसा बैप्टिस्ट है यहाँ पे? बैप्टिस्ट है, रोमन कैथोलिक है, प्रेस्बिटेरियन है, अलग अलग चर्च है। लेकिन अपना काम को अभी अच्छा प्रतिशत, अच्छा प्रतिशत ऐसा तो करना संभव काम, अच्छा प्रतिशत है। हाँ क्योंकि हमारा जो छात्र 8 हॉस्टल से छात्र निकलते हैं, ये भी अभी प्रतिष्ठित हो गया, बहुत छात्र है जहाँ पर समाज में प्रतिष्ठित हो गया कोरोना का। वो राजनीति क्या करते हैं वो पता नहीं है। बहुत एम्प्लॉई तो लगभग 40 साल हो गए, 40 ईयर्स हो गया, 40 ईयर्स हो गया। और हमारा वो दूसरा काम भी करता है, जैसा यहाँ का छात्र जो बाहर में पढ़ने का लायक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकता है, इसको हम सिलेक्शन करते हैं, परीक्षा लेते हैं। इस बार भी हम 100 स्टूडेंट का परीक्षा लिया, इसमें 27 हमने सिलेक्ट किया और 27 को हम बाहर में भेजा। कहाँ भेजते हैं? रुद्रपुर, रायपुर, भिवानी। ये लोग वापस आते हैं पढ़ने के लिए या फिर कहीं? ना वापस कोई कुछ लोग आते, कोई कोई हर भी नौकरी करते हैं, जैसे धनंजय रियान वो डॉक्टर हो गया, दिल्ली में डॉक्टर हो गया। हाँ ऐसा बहुत है जो बाहर में नौकरी करता है, और बहुत है इधर भी आया। हाँ इधर बहुत बड़ा बड़ा नौकरी करता है। हाँ ऐसा अभी एक पिछले साल सितंबर में एक त्रिपुरा हिंदू महालय ऐसा एक कार्यक्रम हुआ था, वो संघ का था, संघ का कार्यक्रम। संघ का कार्यक्रम तो इसमें सारे लोग भाग लिए, सारे लोग भाग लिए। बहुत बड़ा मैंने 18,000-19,000 ऐसा लोग तो पूरा मार्ट भर्ती था, मैंने संघ अनुरागी था। 18,000 लोग आए सितंबर में, सितंबर मतलब बहुत इलेक्शन के बहुत पहले, एक साल पहले हो गया। एक साल नहीं लगभग, मोहन जी भगवत आया था। और सबसे आश्चर्य बात ये है जो प्रेस से प्रेस का आदमी हमको पूछा, बोले भाई उन्होंने भाषण दिया, क्या भाषण दिया, विषयवस्तु तो क्या था, कोई पॉलिटिकल बात नहीं किया, कोई आदमी को गाली नहीं दिया, कोई पार्टी को निंदा नहीं किया। हाँ तो कैसे आश्चर्य हो गया, आश्चर्य हो गया। वो केवल देश का बात है, समाज का बात है, हिंदू समाज का बात है। चार पांच मैंने आदमी से हमको पूछा, उनका उनका विषयवस्तु हम तो सोचा था जो इस बार वाम पंथी को बहुत ये करेगा, किसी के बारे में बोलेगा, कुछ नहीं बोला। कहे हम लोग पार्ट में जो जाते हैं भाषण सुनने के लिए, ये तो भाषण ऐसे ही करते हैं। हाँ किसी ना किसी इसका दोष है, इसका गुण है, यही बोलते हैं। उन्होंने तो केवल भारत दोष का, हिंदू जाति का, भारत माता का, यही सब भारत का उन्नत होगा, किसे भारत सुंदर होगा, यही सब बात ही बोला, सब पद्धति बताया। आश्चर्य हो गया सब। आप अभी संपादक का काम था, संपादक का दायित्व तो पीयूष जी पूरे अपने 75 साल 75 ईयर्स की आयु आज है उनका, सेकेंड क्लास में संघ से जुड़े और अभी तक लगातार आप काम में रहे, संघ वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना फाउंडिंग मेंबर रहे,
विश्व हिंदू परिषद के भी आप यहाँ पर सह संपादक है और अभी कल संपादक के काम देखते हैं और ओवरऑल एक पिता दिक्कू बोलते हैं हम लोग तेलुगु में पालक जैसे तो लगातार ऐसे पीयूष जी जैसे लोग ने जो तपस्या किया उसके कारण आज एक अच्छा वातावरण त्रिपुरा में ऐसा देखने को मिलता ये भगवान का भगवान मूर्ति था हमारा प्रयास था और भगवान हम सबको बहुत आनंद हो गया कि इतना सुदूर भारत के सुदूर प्रांत में भी एक राष्ट्रीय विचार के एक उत्थान बहुत साल से काम तो चला है लेकिन एक चेंज यहाँ पर दिखने को जो आया है ये अकल्पनीय था तो ईश्वर का ही एक ईश्वर का दान है एक महीने में